हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आज मैं आपके लिए ऐसी पांच मूवीज लेके आया हूँ जो जिंदगी में आपको एक बार देखनी चाहिए। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और राइड का मजा लीजिए। नंबर 5, फॉरेस्ट गंप। ये मूवी ऐसे कैरेक्टर पे बेस है जिसका आईक्यू बहुत लो है लेकिन वो दिल से बहुत साफ है। जब वियतनाम में वॉर चल रहा होता है तो ये फॉरेस्ट अपनी देश की सेवा करने के लिए आर्मी ज्वाइन करता है, जहां वो बहुत सारे दोस्त भी बनाता है। फॉरेस्ट का आईक्यू कम होते हुए भी वो वॉर में कैसे लोगों की हेल्प करता है या फिर वॉर में वो कैसे लड़ता है, ये सब उस मूवी में दिखाया गया है। हालांकि ये एक ऐसी कहानी है जो किसी हारे हुए इंसान को भी मोटिवेट कर दे। इसे सेंसर ने यूए की रेटिंग दी है और आईएमडीबी पे इसे 8.8 की रेटिंग है। तो आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। नंबर 4, शटर आइलैंड। इस मूवी के जो मेन कैरेक्टर होते हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो और मार्क रफलो, जिन्होंने उन्हें प्ले किया है, वो यूएस मार्शल्स होते हैं। उन्हें ऐसी जगह भेजा जाता है, एक असाइलम में, जहां का एक पेशेंट गायब हो जाता है। तो उनका काम होता है कि जो असाइलम से जो पेशेंट गायब है उस पे इन्वेस्टिगेशन करे और उसे ढूंढे। जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें उस जगह के बारे में एक सच पता चलता है। जब एंड आता है तो वहां एक सस्पेंस दिखाया गया है जिससे आपका दिमाग हिल जाएगा। इसे सेंसर ने आर की रेटिंग दी है और आईएमडीबी पे इसको 8.2 की रेटिंग है। नंबर 3, मेमेंटो। ये मूवी एक ऐसे कैरेक्टर पे बेस है जिसको एमनेसिया की बीमारी रहती है। सिंपल भाषा में बोलूं तो उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस्ट होता है। उसकी वजह से वो चीजें याद नहीं रख पाता, तो वो याद रखने के लिए नोट्स का इस्तेमाल करता है या फिर बॉडीज पे वो टैटूज बनाता है जिससे वो ये पता कर सके कि उसकी जो बीवी मरी है उसके किलर को ढूंढे और उसको मारे। एंड में जो स्टोरी को उन लोगों ने घुमाया है वो देख के मजा ही आ जाएगा। इस मूवी के बहुत से रीमेक बन चुके हैं, उसमें से ही एक गजनी है। इसे सेंसर ने आर की रेटिंग दी है और आईएमडीबी पे इसे 8.4 की रेटिंग है। नंबर 2, फाइट क्लब। इसका जो मेन कैरेक्टर है एडवर्ड नॉर्टन ने जिसे प्ले किया है, वो अपनी बोरिंग लाइफ से बहुत बोर हो जाता है। इसलिए वो जो ब्रैड पिट का कैरेक्टर है उसके साथ मिलकर अंडरग्राउंड एक फाइट क्लब खोलता है। वो दोनों मिलकर पागलों जैसे काम करते हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ इंटरेस्टिंग बने। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि एक मेस में वो फंस जाते हैं, तो फिर वो उस मेस से कैसे बाहर निकलते हैं, इसी प्लॉट के ऊपर ये मूवी बनी है जिसे सेंसर ने आर की रेटिंग दी है और आईएमडीबी पे इसको 8.8 की रेटिंग है। नंबर 1, शॉशैंक रिडेम्पशन। आपने आज तक बहुत सी अच्छी अच्छी मूवीज देखी होगी, लेकिन ये जो मूवी है स्टीफन किंग द्वारा लिखी और फ्रैंक डेरामोंट द्वारा डायरेक्ट की हुई आज तक की आईएमडीबी पे सबसे ज्यादा रेटिंग वाली मूवी है। ये स्टोरी है एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो अपनी वाइफ के ही मर्डर केस में अंदर चले जाता है, लेकिन वो खुद ये दावा करता है कि उसने अपनी बीवी को नहीं मारा, पर कोई उस पर विश्वास नहीं करता। एंड में जो ट्विस्ट दिखाया गया है उसे देख के आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। इस मूवी को सेंसर ने आर की रेटिंग दी है तो आईएमडीबी ने इसे 9.3 की रेटिंग दी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और कमेंट में मुझे ये बताइए कि आगे आपको कौन सी मूवीज की लिस्ट चाहिए, किस तरह की मूवीज की लिस्ट चाहिए, वो मैं आपको बना के दे दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।